Hey guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about the new chapter in the series Inside the IMU-CT exam. So, जैसे कि आपको पता है इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाता हूँ और उसके वेरिएशन, उसकी डिफिकल्टी और उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ. तो आज हम बात करने वाले हैं दो चैप्टर जो बहुत ईजी है और जो बहुत यू नो टाइम सेविंग चैप्टर्स है. इन दोनों को मैं कंबाइंड मतलब बताने वाला हूँ क्योंकि इनको मिला के, दोनों को मिला के अबाउट 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके IMU-CT एग्जाम में. तो वो चैप्टर है, एक लॉग हो गया और एक हो गया हाइट एंड डिस्टेंस. अब इसमें एक चीज है, अगर आपने पहले अपने यू नो 12th और 11th में अच्छे से लॉग और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में. आपको आधा घंटे से भी कम टाइम लगेगा अगर आपको यू नो सारी चीजें रिवाइज करनी है और सारे कुछ क्वेश्चन भी करने हैं तो आपको आधे घंटे से कम का टाइम लगेगा. लेकिन आपने नहीं पढ़ा है वहां अच्छे से तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 घंटे के अंदर ये सारा कवर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा फॉर्मूले है नहीं. लॉग में थोड़ा सा यू नो आपको सोचना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पता है बस यू नो उसमें 10 थीटा का फॉर्मूला ही लग जाता है और अदरवाइज एक दूसरा फॉर्मूला है जो शायद से आपने नहीं पढ़ा होगा. सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा. अगर आपने पुरानी वीडियोज नहीं देखी है जो सिक्वेंडेंट सीरीज की है और वो ट्रिग्नोमेट्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उनकी वीडियोज आप जरूर देखें. और साथ में अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है, फुल सिलेबस में डिटेल बताया गया है किससे क्या आने वाला है और किससे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूँ लॉग की. जब मैं लॉग की बात करता हूँ ना, इसके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में. आपको क्या ध्यान में रखना है, इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, जैसे कि लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम एन, तो जो ये फॉर्मूले हैं सबसे पहले आपको ये याद करने होंगे. ठीक है, अगर जब ये आप सारे याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले. ठीक है, यहाँ पे भी तो अगर आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए उसके बाद अप्लाई करो क्वेश्चंस में, क्योंकि इसके लिए ना प्रैक्टिस जरूर चाहिए. और जब आप वो प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर आपका एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपके यू नो हाथ से बाहर होगा, जो आप कर नहीं पाओगे एग्जाम में और कहीं पे भी. तो लॉग का चैप्टर बहुत आसान है, इसमें लिमिटेशंस है कि आप अगर आपने पढ़ लिया तो आप सारे कर लोगे, ऐसा सीन है इसमें. ठीक है, और जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें तरीका क्या देखना है आपने. हाइट एंड डिस्टेंस में ना सारे क्वेश्चन यू नो यू कह सकते हो कि आप 10 थीटा से निकाल सकते हो, किसी किसी में कॉट थीटा का फॉर्मूला भी लग जाता है. तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखते हो ना तो आप उसका एक फिगर बना लो. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिगर से आधा चीजें क्लियर हो जाएंगी. और बहुत से क्वेश्चन ऐसे है ना जहां पे आपको यू नो लाइक थोड़ा सा टाइम, जैसे कि अगर कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो गए ना तो वहां पे समझ नहीं आएंगे, लेकिन जब आप फिगर बना लोगे तो उसके बाद बहुत सी चीजें सीधे क्लियर हो जाती हैं यार. मतलब हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लग गया, सॉरी पाइथागोरस का फॉर्मूला लग गया, सीधे हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो आप. ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं इसमें और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी. तो हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, उसमें हमें यह क्या क्या है हमें सबसे पहले देखना होता है, इसमें गिवन क्या क्या है. ठीक है, जब भी हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये देखने की कोशिश करो गिवन क्या क्या है और उसका डायग्राम बना लो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने जब देखा तो इसमें हमसे पूछा गया है कि हमें निकालना है हाइट निकालनी है. ठीक है, तो हमें इसमें गिवन दिया गया है, एंगल दिए गए हैं दो पॉइंट के, एक पॉइंट सी जो पॉइंट है वहाँ से हमारा एंगल है थीटा और डी से जो हमारा पॉइंट हमारा एंगल है 90 माइनस थीटा. ठीक है, जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना तो हम 10 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं. अब देखो, ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन था तो हमने क्या करना है, 10 थीटा से दोनों को कंपेयर कर लेना है. पहले 10 थीटा से हमने ट्राइंगल ABC का निकाला. ठीक है, ABC का निकालेंगे तो H अपॉन X हमारे पास आ जाएगा 10 थीटा, उसको हमने पहले क्वेश्चन रख दिया. दूसरा हमने पूरे वाले ट्राइंगल पे, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल पे ABD जो ट्राइंगल है उसमें 10 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू H अपॉन Y. तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, जब हम ऐसे कर लेंगे ना तो ना इनटू कर दो. इनटू क्यों करेंगे हम, क्योंकि ना 10 और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के. अगर हम ऐसे कर देंगे तो जब हम 10 90 माइनस थीटा को हम चेंज कर लेंगे ना तो वो कॉट बन जाएगा और फिर 10 और कॉट कट जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा एच आराम से आ जाएगा. ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ, जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना उसमें ना 90% अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये 10 थीटा वाला फॉर्मूला ही लगेगा.
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वेरिएशन पता होनी चाहिए। जैसे इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हमने यहाँ पे इंटू किया, बहुत जगह में हम एक को दूसरे से रिप्लेस करते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और बस इतना ही है इसमें। सो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जिसमें हमें हाइट दी गई है दो पोल की, दो चिमनी की, जिसकी एक की हाइट है 18 की, दूसरे की है 13 मीटर। तो हमें बताना है कि उनके टॉप्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, ठीक है। अब देखो जब भी क्वेश्चन होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, सबसे पहले एक फिगर बना दो, ठीक है। फिगर बना लोगे आधा से ज़्यादा चीज़ें तो वहीं पर क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखो जैसे कि मैंने फिगर बनाया है, ठीक है। तो इससे जब मैं फिगर बनाऊंगा ना तो मुझे खुद से ही पता चल जाएगा कि ऊपर भी 12 मीटर की डिस्टेंस होगी जो आप देख सकते हो यहाँ पर। और जब मेरे को पता है कि यहाँ पर मुझे एक्स निकालना है, अगर मुझे उसका बेस पता है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो जो मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है तो मैं पाइथागोरस लगा दूंगा और मुझे आराम से आसानी से आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें हमें एक टावर दिया गया है, उसमें उसकी हाइट जो है वो 120 मीटर है, ठीक है। और उसमें दो पोजीशंस हैं, एक पोजीशन जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है उस पोजीशन का वो है 60 डिग्री और दूसरी का है 45 डिग्री। जो 60 डिग्री वाले की डिस्टेंस है ना बेस से टावर के, वो 45 डिग्री वाले से एक्स मीटर शॉर्टर है। तो हमें क्या करना है, एक्स निकालना है उसका, उसकी जो हमें डिस्टेंस है एक्स की वो निकालनी है। तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखना, इसकी इसका डायग्राम बनाओ और ठीक है। तो ये देख सकते हो आप डायग्राम मैंने बनाया। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, आधा से 90% क्वेश्चन यहाँ पर ना आराम से 10 के फॉर्मूले से हो जाएगी, लेकिन कुछ कुछ आप इसमें ना, इसमें दो वेरिएशंस हैं। एक तो आप कॉट वाले फार्मूले से इसे निकाल सकते हो, दूसरा यहाँ पर 10 वाले से निकाल सकते हो। कॉट का जो फार्मूला है वो होता है कि कॉट ए माइनस कॉट बी ब्रैकेट क्लोज हाइट इक्वल्स टू एक्स, वरना आप 10 से जा सकते हो। 10 से वैसे में मुझे आसान लगता है और कॉट से सीधे फार्मूले से आ सकता है, देखो ठीक है अपने हिसाब से देख लेना। तो 10 से अगर मैं निकाल रहा हूँ सिंपल फार्मूले से, तो 10 थीटा इक्वल्स टू होता है एच अपॉन बेस, तो हाइट अपॉन बेस 120 अपॉन बी सी डाला, बी सी हमारे पास यहाँ निकल गया, फिर हमने दूसरे में निकाल दिया बी डी, ठीक है। बी डी और बी सी हमने जब निकाल दिए तो बी सी से मैं बी डी माइनस कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा आंसर सी डी, ठीक है। सिंपल सा आ गया। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है लॉग का, ठीक है। तो जब भी लॉग के क्वेश्चन होते हैं ना तो हमें इसके लिए प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ पता है तो हम आसानी से कर देंगे, और ये मैंने पहले भी बताया आपको कि प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। लॉग टू टू द बेस एक्स है, ठीक है, बेस एक्स बेस पे है। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें निकालना है 2x। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है और बहुत 10 सेकेंड का क्वेश्चन ये है। सो ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो हमें पता है अगर हमारे पास जो ए है, ठीक है, ए मतलब जो 2 है, अगर हम इसको इक्वेट कर लें तो उसका एक फार्मूला होता है 2 इक्वल्स टू जो बेस होता है बेस की पावर जो हमारे पास वाई है, ठीक है। तो हम ये फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास 2 इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस 1 आ जाएगा, तो हमारा इससे एक्स इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। और हमें 2x निकालना है तो 2 से इंटू कर देंगे एक्स और हमारे पास आ गया आंसर 1। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है लॉग का ही है, और हमें निकालना है इसकी m निकालना है। अगर हमें गिवन दिया गया है 32 to the base 4 इज m/2, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस इसको लिखना आना चाहिए, तो ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है, 32 और बेस 4 दिया गया है हमें लॉग का, तो हमने उसको इक्वेट में रख दिया और आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इसकी पता होगी आपको, तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम 2 की पावर 5 लिख देंगे उसे, और 2 की पावर 2 4 को लिख दिया। जब हम ऐसे लिखेंगे ना तो 5 और 2 बाहर आ जाएंगे, और log a और 2 the base a 1 होता है, तो ये कट जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा m = 5। क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है,
और ये क्वेश्चन देख सकते हो, लॉग टू की वैल्यू दी गई है, लॉग थ्री की वैल्यू दी गई है और लॉग सिक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक फॉर्मूला होता है लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे और आंसर हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये देख सकते हो आप, सेम वही है, लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, यही आप लगा दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा लॉग सिक्स का 0.7781। तो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है लॉग एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्वेश्चन हम जब करेंगे ना, तो ये पिछले जैसे वाला क्वेश्चन है जहाँ पे हमने वो प्रॉपर्टी लगाई थी लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी और ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, सिंपल सा यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और जैसे आप लगाओगे तो ये आसानी से आपका आंसर, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। % क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होना है, मे बी 100% मान के चलो। और ये अगला क्वेश्चन हमारे पास लॉग 5 टू द बेस 3 और लॉग 9 टू द बेस 25। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, लॉग 5 अपॉन लॉग 3 लिख सकते हो, उसका हमने बेस सेम कर दिया, ठीक है, तो इनटू लॉग 9 अपॉन लॉग 25 और फिर यहाँ से उनकी पावर निकाल के 25 और 9 से पावर निकाल के बाहर आप आगे सॉल्यूशन उसका कर सकते हो। बेस सेम कर दिए, ये एक वैसे में प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। तो जैसे मैंने प्रॉपर्टी सेम किया, इसके बेस सेम किया, तो ये अपॉन में आ गया 3, ठीक है, और वहाँ से मैंने लॉग 9 से और लॉग 25 से पावर बाहर निकाल दी, तो 2 बाहर आ गया, 2 लास्ट में मैंने काट दिया और आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो आपने जैसे कि वीडियो देखी जहाँ आपने फॉर्मूले देखे होंगे, इसमें तो इसमें मेन चीज क्या है, लॉग में आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज के साथ आपको पता होना चाहिए कि कैसे लगाना है उन्हें, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। और जो हमारा दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस है, उसके क्वेश्चन को करने का तरीका, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी डायग्राम बनाना है, ठीक है, और 90% क्वेश्चन आपको टेन थीटा से ही मिल जाएंगे, उसी से हो जाते हैं, ठीक है, खासकर ये वाले एग्जाम में तो 90% क्वेश्चन 10 थीटा वाले क्वेश्चन से ही हो जाएंगे। और बस इसमें इतना ही था, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत जल्दी आप रिकवर कर सकते हो इसे और बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हो आपसे। सो अगर आपने दूसरी वीडियोस नहीं देखी, आपने भी बिल्कुल देखें, बहुत जरूरी है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।